आज जटायु जी ने चुनौती दी। लक्ष्मण तो यहां समझा रहे हैं, लेकिन सीता जी को कौन समझा रहा है? सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करी हो जातु धान कर नासा। हे पुत्री तू रो मत, चिंता मत कर, आज इस अन्यायी को सबक सिखाने के लिए तेरा बूढ़ा बाप अभी जिंदा है, वो आ रहा है। जब तक जिंदा है तब तक अन्याय देख नहीं सकता है। पुत्री बेटी तू चिंता मत कर। बोलो, विपत्ति काल में जटायु का सीता जी को समझाना बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? बोलो, है महत्वपूर्ण। और केवल समझाया ही नहीं, रावण से कहा रे रे दुष्ट ठाण किन होई, ऐ दुष्ट खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाए दुष्ट। आप सबने खूब कथाएं सुनी, रावण को कोई दुष्ट कह सकता था? बोलो, रावण के जीवन काल में, जल्दी बोलो, रावण के जीवन काल में रावण, अच्छा पीठ पीछे कोई दुष्ट कह भी दे लेकिन मुंह पर कोई दुष्ट कह सकता था? जल्दी बोलो, पीठ पीछे तो लोग पता नहीं क्या क्या किस किस को कह देते हैं, कह देते हैं, बोलो कह देते नहीं, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। यहाँ तक कि लोग हनुमान जी को चुनौती दे देते हैं पीछे, पीठ पीछे। राम जी को चुनौती दे रहे हैं नालायक लोग, हनुमान जी को भी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन जब हनुमान जी के मंदिर में आते हैं तो कांपने लगते हैं। कहे क्यों डर रहे हो? बोले हनुमान से डर नहीं है, गदा से बहुत खतरनाक डर है। ये गदा इतनी खतरनाक है हनुमान जी की कि अगर जरा सी पड़ गई तो समझ लो कोई हॉस्पिटल नहीं बचा सकता। क्यों बचा सकता? हनुमान जी की गदा जिसके ऊपर पड़ जाए किस डॉक्टर की हिम्मत है जल्दी कि उसको बचा ले? पीठ पीछे पता नहीं लोग किस किस को चुनौतियां देते हैं, लेकिन गिद्धराज जटायु ने तो सामने चुनौती दी, कहे दुष्ट खड़ा हो जाओ। रावण ने कहा कि दुष्ट शब्द पहली बार सुन रहा हूं मैं, मेरे मुंह पर किसी की हिम्मत नहीं है दुष्ट कहने की, लेकिन पहली बार दुष्ट शब्द सुन रहा हूं। मेरे दरबार में तो मेरी स्तुति करते हैं सब, आरती उतारते हैं, मेरा यशगान करते हैं, यहाँ तक कि 33 करोड़ देवता भी यशगान करते हैं एक साथ सामूहिक रूप से। जितने भी ग्रह नमक ग्रह हैं, वो संपूर्ण ग्रह नमक ग्रह यदि अनुग्रह चाहते हैं तो रावण कि आप मेरे ऊपर कृपा करो। बोलो भाई, ग्रहों को यदि बस में किया था किसने किया था? जल्दी बोलो। सारी दुनिया को ग्रह भयभीत कर देते हैं लेकिन ग्रहों को भयभीत किसने किया था? रावण ने किया था कि नहीं किया था? लेकिन पहली बार दुष्ट शब्द सुन रहा हूं, कौन है तू दुष्ट कहने वाला? कहा मैं सीता जी का बाप हूं, जिसका हरण तुम कर रहे हो उस बेटी का मैं बाप हूं। क्या बात है साहब? बोलो, बाप बेटी का अपमान सह सकता है क्या? कभी नहीं सह सकता है। मैं कहता हूं बंदूक की गोली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बल वो शक्ति और क्षमता बाप की बोली में होता है बेटी के लिए। बोलो बेटी के लिए, यदि बंदूक की गोली भी सामने आ रही हो और कोई बंदूक के बल पर किसी की बेटी को छीन रहा हो तो समय बाप के हाथ में कोई शस्त्र नहीं होता है, केवल बोली होती है। वो मरने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन जब तक जिंदा है तब तक बेटी के साथ अन्याय नहीं देखता है, भले ही उसे मरना पड़े वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। ये बाप की काबिलियत है, ये बाप की क्षमता है। परिचय दे रहा हूं कि मैं बेटी का बाप हूं, मैं सीता का बाप हूं। सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करी हो जातु धान कर नासा। मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा, तू चिंता मत कर। बोलो, विपत्ति काल में सीता जी को समझा रहा है गिद्धराज जटायु, इसलिए कहता हूं कथाएं सुन लो,
आजकल लोग सिद्ध और प्रसिद्ध हो जाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। सिद्ध हो जाते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं, तमाम प्रकार की प्रसिद्धियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उन सिद्धों से प्रसिद्धों से गिद्ध अच्छा है कि नहीं? बोलो गिद्ध अच्छा है कि नहीं? जो कम से कम जाके चुनौती दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अन्याय का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अन्याय के विरोध करने की क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ये राम कथा तुम्हें प्रेरणा दे रही है। अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, राम कथा तुम्हें प्रेरणा दे रही है प्यारे। और जिसमें बेटी और गऊ, यदि इन दो के ऊपर अन्याय हो रहा है, गऊ और बेटी, इन दो के ऊपर यदि अन्याय हो रहा है, और यदि कोई समाज का प्राणी देख रहा है या सामूहिक रूप से समाज बर्दाश्त कर रहा है, वो समाज चुल्लू भर पानी में डूबने के लायक है, उसको समाज में रहने का अधिकार नहीं। वो समाज को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं। इसलिए गऊ और बेटी के सम्मान को बचाओ, सामूहिक रूप से एक संगठन बनाओ, और होने वाले अन्याय, गऊ और बेटी के ऊपर होने वाले अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लो, सामूहिक रूप से संगठन बना करके। आज आप सबको इस अन्याय को रोकना है, ये राम कथा मंच आज आपको प्रेरणा दे रहा है। गीधराज जटायु ने बोलो बेटी के अन्याय को रोका कि नहीं रोका? है पक्षी, क्या है वो? बोलो पक्षी है कि नहीं? मनुष्य नहीं है, क्या है? पक्षी। रोक रहा है, रुक जा, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। आगे हनुमान जी बैठे हैं प्रवसन पर्वत पर। बोलो हनुमान जी आगे किस पर्वत पर बैठे हैं? प्रवसन पर्वत। किसकिन धाम में एक पर्वत का नाम है प्रवसन पर्वत, उसी को ऋषिमुख पर्वत कहते हैं। समझ गए ना? किसकिंधा कांड में कथा आती है ना, ऋषिमुख पर्वत, प्रवसन पर्वत, उस पर हनुमान जी आगे बैठे हैं। लेकिन इसके पहले जो सीता जी को ढांढस बंधा रहा है, सीता जी को समझा रहा है और रावण को ललकार रहा है, इसके पहले की घटना है ना, कि गिद्धराज जटायु ने जो किया। अब सुनते जाना, क्रम से सुना रहा हूँ, क्योंकि इसमें हनुमान जी की क्या भूमिका है ये भी आपको आगे सुनने को मिलेगा कि हनुमान जी की क्या भूमिका है, हनुमान जी का इस समय रोल क्या है, हनुमान जी ने क्या अपना कर्तित्व और व्यक्तित्व दिखाया है कि जिसके कारण भगवान यहाँ ऋणी हो रहे हैं। हनुमान जी के ऋणी हो रहे हैं। बोलो हो रहे हैं ना ऋणी? किसके ऋणी हो रहे हैं? हनुमान जी के ऋणी हो रहे हैं। लेकिन इसके पहले गीधराज जटायु ने क्या कर्तित्व और व्यक्तित्व दिखाया, भगवान राम का गीधराज जटायु के साथ क्या व्यवहार हुआ, हनुमान जी का कर्तित्व व्यक्तित्व देखकर हनुमान जी के साथ क्या राम जी का व्यवहार हुआ है, इस पर आधारित चर्चा आपको सुनने को मिल रही है। जटायु जी ने कहा दुष्ट खड़ा हो जा, और जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो पीछे जो गीध बिरादरी के, गीध बिरादरी होती है ना, गीध जाती, तमाम पक्षी थे गीध, वो सारे के सारे गीध जितने थे बिरादरी के, वो सब आ गए। अरे बोले रुको 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 रुको, अरे गीध ने कहा रुकने का टाइम नहीं है, अगर तुम मेरा साथ दे सकते हो तो मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ। लेकिन ये सब पीछे हटने लगे, गीध आगे बढ़ने लगा, तो उन पक्षियों ने क्या किया जो गीध जाति के थे, पीछे से गीधराज जी की टांग पकड़ ली और खींचने लगे। तो गीधराज जी ने कहा कौन है जो मेरी टांग खींच रहा है? कहा तुम्हारी बिरादरी के हैं पक्षी। पक्षी बोले अच्छे काम में टांग खींच रहे हो, तुम कैसे पक्षी हो कि अच्छे काम में टांग खींच रहे हो, तुमसे अच्छे तो विपक्षी थे। क्यों भाई, क्यों भाई, ये पक्षी कैसे जो पीछे से टांग पकड़ के खींच रहे हैं, विपक्षी तो आगे आके विरोध करता है। क्यों भाई, विपक्षी पीछे विरोध नहीं करता है, विपक्षी क्या करता है, आगे विरोध करता है ना, आगे आके, लेकिन पक्षी पीछे से विरोध करते हैं टांग पकड़ के, ये पक्षियों का काम होता है। हट जाओ, मैं जा रहा हूँ, मेरी टांग पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि
अच्छे कार्य में तुम सहयोग कर सकते हो तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो, आओ मेरे साथ। इस अन्याय को रोकने में तुम सहभागी बन जाओ, स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, इतिहास बनेगा। अच्छा बोलो, गीत राय जी का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिख गया कि नहीं लिख गया? स्वर्ण अक्षरों में गीत का इतिहास लिखा है। लेकिन ये पक्षी सब भाग गए और गीधराज जी रुके नहीं, सीधा गीध ने आक्रमण ही किया। सीता जी को सांत्वना दी कि ठहरो 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 ठहरो, सीता रोने की जरूरत नहीं है, आंसू रोको रोको, आंसुओं को निकालने की अब आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए आज मैं आ रहा हूँ, वो इस अन्यायी को सबक सिखाने के लिए मैं आ रहा हूँ। और जैसे आक्रमण किया तो सीधा चोंच का प्रहार जिस हाथ में तलवार थी उसी हाथ पर किया तो तलवार ही गिर गई। अब दूसरे हाथ से रावण ने कृपाण उठाने की कोशिश की तो दूसरा प्रहार कृपाण वाले हाथ पर किया तो कृपाण गिर गई। अब दो ही हाथ हो तो अलग बात है, हाथ कितने हैं? 20 हाथ हो गए भाई, 10 तो सिर हैं और 20 हाथ हैं, 20 हाथ तो 20 हाथ। अब दूसरी हाथ से तीसरे से जैसे ही धनुष बाण उठाया तीसरे बाहु को प्रहार किया, इस तरह से 20 भुजाओं पर एक साथ जटायु जी ने प्रहार किया। ये भुजाएं शस्त्र उठाने के लायक नहीं रही। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, व्यक्ति के शरीर में बल कहाँ रहता है ये बताओ? आंख में कि नाक पे कि कान पे कि गाल पे? हाथ पे। जैसे मान लीजिए ताकत दिखाएगा तो आंख निकालेगा क्या? कि आंख निकल रोक, क्यों भाई? नाक बढ़ाएगा आएंगे कान? जैसे ही कोई बार प्रहार होगा तो शक्ति प्रदर्शन में सबसे आगे हाथ आएगा। तो 20 भुजाओं में जितना बल था उन 20 भुजाओं को गीधराज जटायु ने चोंच के प्रहार से घायल कर दिया। रावण की भुजाएं बलहीन हो गई। क्या हो गई? बलहीन। ईमानदारी के साथ बताओ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सबसे बड़ा बल कौन है समाज में? यदि कोई आपसे पूछना चाहे कि सबसे बड़ा बल कौन है तो कोई कहता है भुजबल, कोई कहता है धनबल, कोई कहता है पदबल, कोई कहता है बुद्धिबल, लेकिन मैं कहता हूं ना भुजबल, ना धनबल, ना पदबल, ना बुद्धिबल, सबसे बड़ा बल होता है चरित्र बल। चरित्र बल से बड़ा कोई बल नहीं होता है। कौन सा बल सबसे बड़ा है? चरित्र बल, करैक्टर। गीधराज जटायु ने चरित्र के बल पर आज रावण की भुजाओं को अस्तित्वहीन कर दिया। चौचन मारी बिदारिस देही, और दंड एक भई मूर्छा दे। जैसे ही चोंच से प्रहार किया पूरे शरीर से रक्त प्रवाह हुआ, और रक्त प्रवाह हुआ तो बेहोश होकर के रावण गिर गया। जैसे ही बेहोश होकर के गिरा तो ये जो पक्षी थे ना मड़रा रहे थे, पहले टांग पकड़ के खींच रहे थे और मड़रा रहे हैं, देख रहे थे कि अब मरने वाला है जटायु, अब मरने वाला। लेकिन जैसे ही रावण को बेहोश किया और रावण गिरा तो जितने पक्षी थे वो कहने लगे गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, और वो सारे के सारे पक्षी जटायु के सामने आ गए। बोले जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ये मौका परस्त लोग, समझ गए हो? ये मौका परस्त लोग हैं कि नहीं? बोलो जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। संघर्ष करिए, हम सब तुम्हारा साथ देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। गीधराज जटायु ने कहा इतना ही साथ दे दो। कितना? कि रावण बेहोश है, अभी मुझे शांति नहीं मिल रही है, अभी मुझे चैन नहीं है। तो चैन कब मिलेगा? जब तक इसे सबक पूरी तरह से न सिखा दूं, जब तक इसे सबक पूरी तरह से न सिखा दूं,
तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। किसी ने कहा सबक अभी भी नहीं सीखा, बेहोश होकर के पड़ा है। कहा नहीं, इसको मौत के घाट उतारना है। तो किसी ने कहा बेहोश हो गया है, अब ब्रेन में सीधा प्रहार कर दो। ब्रेन में, और ब्रेन में अगर चोंच का प्रहार गंभीर हो जाता तो बोलो ब्रेन हेमरेज होता कि नहीं होता। और हेमरेज में दो कंडीशन रहते हैं, या तो मरता है व्यक्ति, और मरता नहीं है तो जिंदगी भर कोमा में रहता है। बोलो कोमा में रहता है कि नहीं? तो उन पक्षियों ने कहा हम सलाह दे रहे हैं क्या कि एक काम करो, तुम ब्रेन में प्रहार करो तो मरेगा नहीं तो कोमा में चला जाएगा, जब कोमा में चला जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरा पक्षी बोला ब्रेन में नहीं, अरे जिंदा तो रहेगा, सीधी सी बात है, आंखों पे प्रहार करो आंखों पर। वो अंधा हो जाएगा तो इसको जिंदगी भर याद रहेगा कि मैंने ऐसा काम किया था, इसलिए आज मैं अंधा हूँ, मेरी आंख फोड़ डाली। इसलिए अंधा करो आंखों में, चोंच का प्रहार करो आंखों में, बीस आंखें बीस फोड़ दो। गीतराज जटायु ने कहा कि तुम सब बुद्धिहीन हो। कैसे कहे आंख क्यों फोड़ो? क्यों? गीत ने कहा अंधे को कभी अंधा नहीं किया जाता है, अंधे को कभी अंधा नहीं किया जाता है। अरे पक्षियों ने कहा अंधा थोड़ी है, इसको तो दिखाई देता है, कहां है अंधा? गीतराज जटायु ने कहा ये आंखें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन आंखों पर वासना का मोतिया बिंद आ चुका है। रावण की आंखों पर वासना का मोतिया बिंद आ चुका है। आंख के ऊपर यदि मोतिया बिंद आ जाता है तो बोलो आंख फूटी ही मानी जाती है कि नहीं? अंधी आंख मानी जाती है कि नहीं? लोग कहते हैं आंख अंधी हो गई, ऑपरेशन कराओ, ये जो ऑपरेशन कराओ, ये जो मोतिया बिंद है इसको दूर करो तब दिखाई देगा, नहीं जिंदगी भर तुम अंधे रहोगे, ये मोतिया बिंद। जटायु ने कहा वासना का मोतिया बिंद रावण की आंखों पर आ गया है। ऐ पक्षियों, अंधे को अंधा नहीं किया जाता है, वो वासना का मोतिया बिंद उसने अंधा कर दिया है। याद रखना पक्षियों, दुनिया के लोगों ध्यान से सुन लो, जो बहन को बहन की दृष्टि से नहीं पहचानता है, जो बहन को बहन की दृष्टि से नहीं देखता है, जो माँ को माँ की दृष्टि से नहीं देखता है, बेटी को बेटी की दृष्टि से नहीं देखता है, आंख होते हुए भी वो अंधा माना जाता है, उससे बड़ा अंधा संसार में कोई दूसरा होता नहीं है। इसलिए आंख दिखाई दे रही है लेकिन अंधा है, इसने माँ को नहीं पहचाना कि ये मेरी माँ है। बोलो जगत जननी है, तो जगत जननी का अर्थ क्या होता? पूरे जगत की माँ, और जगत की माँ जगत में ही तो रावण रहता है। बोलो रावण कहाँ रहता है? जगत में रहता है, लेकिन जगत में रहने वाला ये रावण जगत जननी माँ को नहीं पहचान पाया, इससे बड़ा अंधा कौन हो सकता है? अंधे को कभी अंधा नहीं किया जाता है, इसलिए आंख नहीं फोड़ूंगा इसको, क्योंकि पहले से अंधा है। लेकिन एक काम करो, ये जैसे होश में आवे बस एक काम करना, इसको रोक लेना, ये जाने ना पावे। तो पक्षियों ने कहा आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? गीतराज जटायु ने कहा कि मैं सीता को सम्मान पूर्वक ले जा रहा हूँ जहाँ मेरी गुफा है, उस गुफा में सुरक्षित करूंगा, क्योंकि सबसे पहले बाप अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। बोलो ले जाता है कि नहीं? जिस दिन बेटी का जन्म होता है उसी दिन से आंखों में रखता है बेटी। बोलो रखता है कि नहीं? जिस दिन बेटी का जन्म होता है, बोलो माँ बाप अपनी आंखों में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और जब तक हाथ पीला नहीं कर देते हैं सोते नहीं है, रात भर रोते हैं कि कब मैं पीला करूंगा हाथ, कब विदा करूंगा। बोलो यही कंडीशन रहती है कि नहीं रहती है? इसका मतलब है कि सबसे अगर कीमती धन है तो वो बेटी। बोलो है कि नहीं? यदि सबसे बड़ी समाज की और कुल की प्रतिष्ठा है तो वो बहू बेटी हुआ करती है प्यारे, इससे बड़ी प्रतिष्ठा और दूसरी नहीं होती है। लेकिन आज मेरी बेटी इस आतताई के हाथ में पड़ गई, और ये ले जा रहा है कहां? कंचन नगरी में। कंचन नगरी मानी सोने की नगरी में, कंचन नगरी में ले जा रहा है ये धन के प्रभाव से आज मेरी बेटी को सोने के महल में ले जा रहा है। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा, लेकिन पहले बेटी को गुफा में सुरक्षित कर दूं। इसके बाद कभी भी ऐसी गलतियां मत करना
कि समाज में अगर परिवार के साथ जा रहे हो और कभी कोई ऐसी आक्रामक स्थिति घटने लग जाए तो पहले वहां झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, अपनी बहू बेटी को पहले सुरक्षित करने की जरूरत है। समझ रहे हो कि नहीं? ये कथा तुम्हें प्रेरणा दे रही है, ये नहीं कि वहीं झगड़ा पे आमादा हो जाओ। एक मूर्ख था, मूर्ख सुना दे रहे क्योंकि सुनाना तो पड़ता ही है। ये चेतावनियां हैं, ये साधु संतों की चेतावनियां हैं, कथा के द्वारा तुम्हें सुनने को मिलती। एक मूर्ख था, अपने परिवार को लेके चला। जैसे ही चला तो तांगा वाले से कहता है, रुक 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 रुक, मेरी फैमिली मेरे साथ है, फलानी जगह जाना है, ले चलोगे? उसने कहा, बाबूजी प्रति सवारी 5 रुपया, अगर मंजूर हो तो बैठो और नहीं तो हमको जाने दो, समय खराब मत करो। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कंजूस था ना, कंजूस व्यक्ति इज्जत दांव पे लगा देता है, समझ गए हो? उसको चिंता ही नहीं रहती क्या बतावे आपको। देखो कोई कंजूस बैठा हो तो बुरा ना माने, हाँ, 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 बुरा मान ले तो कौन हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना कि विधानसभा का, कि हमको वोट लेने हैं तुमसे भाई, कल हम चले जाएंगे। ये ना मानो ना मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। मानो ना मानो, खुशी आपकी, ये आपकी खुशी है, मानना कि नहीं मानना, लेकिन हम कहे बिना रह नहीं सकते। कभी कभी कृपणता में प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हो और पूरी प्रतिष्ठा धुल जाती है कि नहीं धुल जाती है, बोलो? इज्जत पूरे परिवार की फुटपाथ पर बिक जाती है कृपणता में। इसलिए मैं कहता हूँ, कृपणता अच्छी नहीं होती है। धन को सुरक्षित करना तो ये धर्म है, लेकिन धन को सदुपयोग में ना लाना ये अधर्म है। बोलो, धन को अगर सदुपयोग में ना लाना ये सबसे बड़ा धन के साथ ही अधर्म है। वो धन कहता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बोलो, कहता है कि नहीं? और धन रोता भी है, धन रोता भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि धन को प्रसन्न रखो, और धन प्रसन्न कब होता है? जब धर्म में खर्च होता है तब धन प्रसन्न होता है और दुहाई देता है, दुहाई देता है, और ये कह के दुहाई देता है कि इस घर से मैं कभी जा ही नहीं सकता हूँ, सदा इसी घर में रहूंगा, क्योंकि इस घर के लोग धर्म करना जानते हैं। इसलिए धन दुहाई देता है ऐसे लोगों को, जो दानवीर हुआ करते हैं, जो धन का सदुपयोग करते हैं, जो गौ सेवा में धर्म को धन को लगाते हैं, जो समाज और राष्ट्र की सेवा में धन को लगाते हैं, जो गरीब कन्याओं के हाथ पीला करने में विवाह में धन को लगाते हैं, गौ सेवा में धन को लगाते हैं, संत सेवा में धन को लगाते हैं, याद रखना, समाज और राष्ट्र की सेवा में धन को लगाते हैं, धन उनको दुहाई देता है, उनकी जय जयकार करता है धन। इसलिए धन को प्रसन्न रखो। क्या करना है? धन को प्रसन्न रखना है। तो वो कृपण गया, उसने कहा 5 रुपया सवारी। उसने कहा, नहीं 5 रुपया सवारी नहीं, 2 रुपया सवारी। उसने कहा, तो उतरिए। तो पहली इज्जत तो यही खराब है कि पहले तय कर लेते तब बैठते, अब वो कह रहा उतरिए उतरिए। पत्नी बोली, नाक मत कटाओ, फालतू की बात करते हो तुम, अरे 5 रुपया दे देंगे, अब रेट खुला है तो खुला है। तो आंखें निकाल के कहता है, तुम्हारे बाप कमाए हैं क्या, फालतू की बात करती हो तुम। उसने कहा, देखो यात्रा में दिमाग खराब मत किया करो, बेइज्जती होगी, हम उतरने वाले नहीं, हम नहीं उतरने वाले। पत्नी कह रही, हम उतरने वाले, बच्चे भी बोले हम नहीं उतरेंगे पापा, तुम कुछ भी करो। तो कहता है, ऐसा जानता तो किसी को साथ ही नहीं लाता, लेकिन अब क्या बता रहे, ये मान नहीं रहे ये सब। उसने कहा, स्पष्ट बताओ। पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो, तुम्हें 5 रुपया सवारी चाहिए, पेमेंट हम करेंगे, अब फालतू की बहस मत करो। उसने कहा, बहन जी ठीक है, आपने कह दिया, हमें विश्वास है, आप हमारी बहन है, पांव छू लिया, पैर भी छू लिया, सृष्टि भी था ऐसी, बहन जी हमें विश्वास है, आपने कह दिया। तो बेटा क्या कहता है, इज्जत रह गई पापा, कहो पैर छुलिए कि नहीं छुलिए, मेरी माँ की बदौलत छुए, तुम्हारी बदौलत तो नहीं, मेरी माँ की बदौलत पैर छुए, देखो। अब देखो बच्चों पर क्या असर आया, देख रहे हो बच्चों पर क्या असर आया, मेरी माँ की बदौलत पैर छुए। उदारता ने बोलो पैर छुलवा दिए कि नहीं छुलवा दिए, जल्दी बोलो। और कृपणता ने खरी खोटी सुनवा दी कि नहीं सुनवा दी, पत्नी के पैर छुए उसने और पति को खरी खोटी। अब इसके बाद भी तुम्हारे कान और बुद्धि में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, इसके बाद भी पल्ले नहीं पड़े तो फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है,
जैसे ही वो मंजिल आई, वो स्थान आया और सब उतरे, उसने कहा बहन जी पेमेंट, पैसा पति के पास था, पत्नी के पास था ही नहीं, पति दीजिए ना, क्या हम तो दो के हिसाब से पेमेंट करेंगे, हम तो दो के हिसाब से पेमेंट करेंगे। उसने कहा बहन जी हमने तो आपसे प्रार्थना कर ली थी, अब पांच के हिसाब से लूंगा और नहीं तो मैं अपने आप पे आ जाऊंगा तो इनको सबक भी सिखा दूंगा। बोले क्या सिखाएगा तू सबक? बोले हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो वैसे ही फुटपाथ पे खड़े हैं, लेकिन पांच रुपया के हिसाब से दो और नहीं तो ले लूंगा। बोले नहीं दूंगा तो उसने एक जड़ दिया। तो कहता क्या है, हमारे ऊपर हाथ उठा लिया, अगर पत्नी के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना तो मूर्ख तो था ही, उसने एक पत्नी के दिया। कहे तुमने गुमराहे दिया हमको, पांच रुपया दिया, झूठ बोल दिया। अब क्या कहता है मूर्ख, अगर बच्चों पर हाथ उठाया तो समझ लेना, उसने एक एक थप्पड़ बच्चों के दिया और जैसे ही दिया तो जानते हो क्या हुआ उस समय? उस समय फिर जैसे ही बच्चों पे हाथ उठाया तो बच्चे रोते हुए कहते हैं बेइज्जती करा रहे हो, ये धन कब तुम्हारा काम आएगा, बेइज्जती के लिए धन होता तो तुरंत कहता है मारो मत, मैं पेमेंट पूरा किया देता। तो उसने तुरंत पांच रुपया के हिसाब से पेमेंट किया। तो तांगा वाला बोला जब पेमेंट ही करना था तो ऐसी विडंबना क्यों कराई, और फिर आपकी बेइज्जती हो गई थी तो बच्चों की बेइज्जती क्यों कराई? बोले तुम नहीं जानते हो, तुमने हमारी बेइज्जती कर दी थी, अब हम जाते घर पूरे मोहल्ले में ये बच्चे कहते कि पापा के तो वहां झापड़ गला, पापा की तो पिटाई हुई, अब जब सब पिट गए तो कोई किसी की नहीं कहेगा, कोई किसी की नहीं कहेगा क्योंकि सब एक से हो गए। अब बोलो भाई इस तरह की विडंबना बोलो कृपण व्यक्ति के जीवन में होती है कि नहीं होती है, जल्दी बोलो। ये कृपण व्यक्ति विडंबना को प्राप्त करता है अंत में, इसलिए कृपणता छोड़ो। धन यदि कमाते हो तो अपने श्रम के माध्यम से दसवां भाग, अगर 100 रुपया कमाते हो तो 90 रुपया अपने घर में खर्च करो, 10 रुपया बोलो भैया कहाँ करोगे खर्च, करोगे धर्म में कि नहीं? अब 90 किसको मिल रहा है, तुम्ही को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सावधान, जीवन में इन हाथों में उदारता होनी चाहिए, वाणी में व्यवहारिकता होनी चाहिए और आंखों में दूरदर्शिता होनी चाहिए, ये सिद्धांत होना चाहिए। बोलो दूरदर्शिता होनी चाहिए आंखों में कि नहीं होनी चाहिए? यदि आंखों में दूरदर्शिता रहेगी, वाणी में मधुरता रहेगी, हाथों में उदारता रहेगी, हर पल पर तुम्हारा सम्मान होता रहेगा, सम्मान हर डगर डगर पर तुम्हारा होता रहेगा प्यारे, कभी भी तुम्हारा अपमान हो ही नहीं सकता है। बस ये सूत्र मैंने आपको बता दिए। आज गिद्धराज जटायु की आंखों में दूरदर्शिता है, बोलो है कि नहीं? क्योंकि सीता जी को पुत्री कह रहा है तो बोलो दूरदृष्टि है कि नहीं उसकी? क्या मान रहा है पुत्री? ईमानदारी से बताओ, उसके पास हाथ नहीं है लेकिन चोंच है, अन्याय में चोंच का प्रयोग कर रहा है, ईमानदारी से बताओ अपना हथियार सार्थक किया कि नहीं किया? गीध के चोंच में बल होता है और मनुष्य के हाथ में बल होता है, लेकिन बल की सार्थकता उसने सिद्ध कर ली कि नहीं कर ली? और सुनिए, शिष्टाचार व्यवहारिकता इतनी है कि सीता जी को प्रणाम करता है और पंखों में भर के ले जाता है, गुफा में स्थापित कर देता है। बोलो इतना बड़ा शिष्टाचार है कि नहीं? समर्पण बेटी के प्रति है, और जब ले जाता है भगवती श्री जगतोद्धारिणी माँ जानकी जी को गुफा में स्थापित कर देता है और कहता है बेटी मैं मानता हूं कि जनकपुर में सोने के महल में तुम रहती थी, महाराज श्री जनक राजा है, लेकिन ये बाप गरीब है, इसके पास टूटी फूटी गुफा है, सोने का महल नहीं है, लेकिन सम्मान की रक्षा करने के लिए आज गुफा ही पर्याप्त है। बोलो भाई संकट के समय अगर कोई साथ दे दे तो महल से अच्छी वो झोपड़ी होती है कि नहीं, जो संकट में सहारा बन रही है? बोलो जल्दी, संकट में जो सहारा बन रही है वो महल से ज्यादा महत्वपूर्ण झोपड़ी मानी जाती है। आज सीता जी की अस्मिता की रक्षा करने के लिए जनकपुर का महल नहीं सामने आया है, गिद्धराज की गिद्धराज की गुफा टूटी फूटी सामने आई है। कहा बेटी जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं गुफा के बाहर मत निकलना, अब मैं जा रहा हूं,
तो सीता जी ने कहा आप जा कहां रहे हैं, कहां जा रहे हैं? जटायु जी ने कहा उस अन्यायी को सबक सिखाने के लिए जा रहा, कहे वो चला ना गया होगा, कहा नहीं मेरी कुछ जात बिरादरी के हैं, उनकी ड्यूटी है कि उसको वो रोके हुए, कहे रोके हुए? हाँ, जैसे ही गिद्धराज जी गए तो कोई दिखाई नहीं दिया, सब भाग गए, सब भाग गए। देखा आपने, समझते जाना जरा, अगर समाज संगठित हो जाता तो बोलो रावण उस दिन बच जाता क्या? जल्दी बोलो, रावण बच नहीं पाता। लेकिन आज समाज कह रहा था कि जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन साथ दिया नहीं किसी ने, कहा था कि साथ है। यही तो चक्कर है कि लोग विश्वासघात करते हैं, आगे बढ़ने, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाद में रिजल्ट आउट हुआ, जमाना जब जमानत ही जब्त हो गई, कहते लोगों ने धोखा दे दिया, धोखा दे दिया लोगों ने, बहुत बड़ा धोखा दिया, हम नहीं जानते थे कि ऐसा होगा। अरे धोखा, मैं कहता हूँ कि तुमने विश्वास भगवान पर नहीं किया। बोलो भाई, तुमने भगवान पर विश्वास नहीं किया, तुमने सत्कर्म पर विश्वास नहीं किया, तुमने सांसारिक पद को प्राप्त करने के लिए अपना धन भी दांव पे लगाया और अपनी इज्जत भी दांव पे लगाई, इसके बाद ही ना धन बचा पाया ना इज्जत बचा पाई। बोलो, जमाना जब्त हो गई, सब कुछ धन भी चला गया और इज्जत भी चली गई। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, गीता का श्लोक आप सुन रहे थे, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां मिथ्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि अनन्य भाव से तुम भगवान के चरणों में अपना तन मन धन समर्पित कर देते तो तुम्हारे योगक्षेम को सदा भगवान वहन करता रहता, और भगवान जिसके साथ जुड़ गया है विफलता उसे कभी मिल नहीं सकती है, सदा सफलता ही सफलता मिलेगी। जटायु जी को भगवान पर भरोसा है, जैसे ही देखा कि अरे कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, तो किसी ने कहा लौट जाओ, आवाज आई लौट जाओ, कहा लौटूंगा नहीं, क्यों? धर्मो रक्षति रक्षता, अगर मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा, इसलिए मुझे धर्म पर विश्वास है। और जैसे गिद्धराज जटायु पुनः पहुंचे तो तब सक्रोध निश्चर खिसियाना कारिस परम करार कृपाणा, उसने कृपाण निकाली, होश में आ गया था। और जैसे ही कृपाण निकाली तो गिद्धराज जी पहुंचने ही वाले थे, उसने कृपाण से पंख अलग कर दिया। जैसे एक पंख जो है अलग हुआ तो वो पंख कहता है अब क्या सोच रहे हो, अब क्या सोच रहे हो? तो दूसरा पंख बोला कि सत्कर्म में हमारा एक भाई अलग हो गया है, हमें इस सत्कर्म से वंचित मत करो, मुझे भी सत्कर्म में कुर्बानी देने का समय दे दो, सत्कर्म में मेरा भी समर्पण हो जाना चाहिए, आज मेरी भी कुर्बानी हो जानी चाहिए। इसलिए दूसरा पंख नहीं माना, तो वो पंख अपना साहस करके जैसे ही आगे बढ़ा तो रावण ने दूसरा पंख भी काट दिया, और जैसे ही दोनों पंख कटे वो गिद्धराज जी नीचे गिरे। आह, तो किसी ने कहा पंखों क्या मिला तुम्हें गिद्ध से, कुछ मिला? पंखों ने कहा सब कुछ मिल गया। क्या मिल गया? बोले जिसके लिए जीवन आता है और जिसको प्राप्त करने का संकल्प जीव लेता है वह संकल्प मेरा पूर्ण हो गया। क्या? मरना तो सब जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं? वो सब मरते हैं, लेकिन मरने के बाद कीर्ति को अमर कोई कोई करते हैं। बोलो भाई, मरते तो सब हैं, ऐसा कौन प्राणी है जो पैदा हुआ वो मरता नहीं है, लेकिन मरने के बाद सभी कीर्ति अमर नहीं करते हैं, कीर्ति उन्हीं की अमर होती है जो धर्म संस्कृति के लिए कुर्बान हो जाते हैं, उन्हीं की कीर्ति अमर हो जाती है।